हेलो दोस्तों, आई एम विजय पाल वर्मा, टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकाला जाता है, इसको हम बताते हैं। पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसका क्या फार्मूला है निकालने का। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला निकालते हैं, FORMULA। फार्मूला देखते हैं क्या फार्मूला है। N% ER cos थीटा प्लस N% EX साइन थीटा प्लस N% EX cos थीटा माइनस N% ER साइन थीटा, इसको का होल वर्क करेंगे बाई 200। इसका एक फार्मूला है, आप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फार्मूला है। EN मीन्स होता है परसेंटेज ऑफ लोडिंग, कितने परसेंटेज पर लोडिंग, 100% पर है, 50% पर है, 75% पर है, ये परसेंटेज ऑफ लोडिंग हो गया। परसेंटेज ER जो होता है, यह है परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस, EX है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। जब हम IR कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस निकलता है, और इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करते हैं उसमें, आप देखते हैं इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस निकलता है। वहाँ से वैल्यू उसको वहाँ से उठाते हैं इसको निकालने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। और कॉस थीटा है पावर फैक्टर, साइन थीटा है साइन कंपोनेंट ऑफ पावर फैक्टर, एंगल, पावर फैक्टर एंगल है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फार्मूला ये फार्मूला है, N% ER cos थीटा प्लस N% EX sin थीटा प्लस N% EX cos थीटा माइनस N% ER sin थीटा का होल वर्ग अपॉन 200। N मीन्स परसेंटेज ऑफ लोडिंग, ER मीन्स परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस। जब इम्पीडेंस निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ से परसेंटेज रेजिस्टेंस आता है, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ ले लेंगे, और परसेंटेज रिएक्टेंस जो वैल्यू आएगी उसको रख लेंगे, और कॉस थीटा पावर फैक्टर और साइन कंपोनेंट ऑफ पावर फैक्टर एंगल होता है। ये फार्मूला हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कैसे इसको निकालते हैं। ये तो फार्मूला इसका है, अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें समझाते हैं कैसे वोल्टेज रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन निकालते हैं। रेगुलेशन एट रेटेड लोड एंड एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स होता है, वन यूनिटी पावर फैक्टर देखते हैं। हमारे स्क्वायर आर कैलकुलेशन और इम्पीडेंस कैलकुलेशन तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए N मीन्स आएगा यूनिटी पावर फैक्टर, 100% लोडिंग पर ले रहे हैं 1,
मान लीजिए परसेंटेज ई आर आ गया है 1.696, किसी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की वैल्यू है, परसेंटेज ई एक्स आ गई है वैल्यू 4.14, और कॉस थीटा मान लीजिए 1, तो वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साइन थीटा जो वैल्यू आएगी साइन 0 डिग्री आएगा, 0 वैल्यू। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फार्मूले में रखते हैं अब, जब साइन थीटा 0 हो गया तो ये वैल्यू आ गया 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, इस हिसाब से रख लेते हैं फार्मूले पे, फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज ई आर कॉस थीटा प्लस परसेंटेज ई एक्स यन मीन्स 100 ई एक्स कॉस थीटा वर्ग अपॉन 200। इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, इसलिए एन इजिकल टू 1 हो गया, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1.696 प्लस 4.14 के वर्ग अपॉन 200। इस तरह जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा 1.78, ये परसेंटेज आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया 1.78। इस तरह आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इस तरह ऐसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला यह है, उसमें जो वैल्यू ये दिया हुआ है, जब इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे किसी ट्रांसफार्मर को टेस्ट करके, जब आप उसका इम्पीडेंस वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर आप वोल्टेज फार्मूला लगा देंगे, या कैलकुलेशन आना चाहिए, तो जब इम्पीडेंस में कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज ई आर परसेंटेज ई एक्स जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे, और साइन कंपोनेंट और कॉस थीटा ये सब वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इस हिसाब से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, 1.78 निकल के आया है, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।